गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, हमारे चैनल मास्टर ऑफ करंट अफेयर एंड जीके में आप सबका स्वागत है। और रोज़ रोज़ आप लोग को जो है एल्टीगेट शिक्षक भर्ती की लेटेस्ट अपडेट लेकर आते हैं आप लोगों के लिए। तो जिन दोस्तों ने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन भी ऑन कर लें, क्योंकि आपको इसी तरह की जो है एल्टीगेट से संबंधित खबरें, 69,000 शिक्षक भर्ती और जो भी शिक्षकों की भर्ती है उसकी खबरें और UPSSC आयोग की सभी खबरें आपको हमारे चैनल पर लगातार मिलती रहेंगी। तो चलिए दोस्तों, समय ना ख़राब करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि जो है एल्टीगेट से संबंधित ये न्यूज़ है, आयोग को अब ताकत दिखाएंगे प्रतियोगी छात्र। तो पूरी खबर पढ़ते हैं क्या है इसमें। एल्टीग्रेड शिक्षक भर्ती परीक्षा 2018 का विवाद थमता नजर नहीं आ रहा है। परीक्षा परिणाम को लेकर दो गुटों में बटे प्रतियोगी छात्र ज़्यादा भीड़ इकट्ठा करके आयोग को अपनी अपनी ताकत दिखाने की तैयारी कर रहे हैं। इसके मद्देनज़र 18 जून को परिणाम के विरोध में जिला मुख्यालय पर छात्र भूख हड़ताल करेंगे, जबकि परिणाम के समर्थन में 19 जून को आयोग मुख्यालय गेट पर तालाबंदी की जाएगी। ELT समर्थक मोर्चा के अध्यक्ष बिक्की खान का कहना है कि 7 विषयों का परिणाम आने के बाद प्रमाण पत्रों का सत्यापन जो है न कराना छात्रों के साथ अन्याय है। गुट के नेता सुनील मोर का कहना है कि भ्रष्टाचार के चलते काफ़ी धांधली हुई है, इसलिए सारी प्रक्रिया दोबारा कराई जाए। युवा मंच के संयोजक राजेश सचान ने प्रधानमंत्री, राज्यपाल और मुख्यमंत्री मुख्यमंत्री योगी को जांच की मांग लिखकर भेजी है। परीक्षा परिणाम जल्द जारी करने की मांग को लेकर अभ्यर्थी 20 जून को उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के Gate No. 2 पर प्रदर्शन करेंगे। सपा नेता डॉक्टर अमर बहादुर यादव ने राज्यपाल को पत्र लिखकर UPSSC के अध्यक्ष, सदस्य, सचिव सहित सारे अधिकारियों की नियुक्ति नए सिरे से कराने की मांग की है। तो ये रही पहली खबर एल्टीग्रेड से, और उसी आयोग से एक दूसरी खबर है जिसको हम लोग देख लेते हैं। तो दोस्तों, आप लोग देख सकते हैं आंतरिक फेरबदल की तैयारी, परीक्षा नियंत्रक के कार्यभार ग्रहण करते ही होने लगा बदलाव। पेपर लीक व भ्रष्टाचार जैसे आरोपों से घिरे उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग में आंतरिक फेरबदल की व्यापक तैयारी चल रही है। कई अधिकारी व कर्मचारियों का कार्यक्षेत्र बदलने का खाका तैयार हो चुका है। इनकी शुरुआत नवनियुक्त परीक्षा नियंत्रक अरविंद मित्रा के कारभार ग्रहण करने के बाद होने की उम्मीद है। अधिकारियों कर्मचारियों के कारभार में बदलाव को शासन से हरी झंडी मिल चुकी है। इसके तहत पेपर छापने वाले प्रिंटिंग प्रेस को लेकर नया पैनल गठित किया जाएगा। साथ ही परीक्षा में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले पेपर सेटर, मॉडरेटर व पैनल का पुनर्गठन होगा। वहीं गोपनीय कार्य में लगे समीक्षा व सहायक समीक्षा अधिकारियों का कार्यक्षेत्र में बदलाव होगा। पेपर लीक मामले में जेल जा चुकी पूर्व परीक्षा नियंत्रक अनुरू कटियार के समर्थन में UPSSC अधिकारी व कर्मचारी संघ लगातार आवाज़ उठा रहा है। वह STF की कार्रवाई का विरोध करते हुए पेपर लीक मामले की जाँच हाईकोर्ट के जज से कराने व जाँच CBI को सौंपने की मांग कर रहे हैं। अधिकारियों व कर्मचारियों के खुलकर अनुरू कटियार के साथ खड़े होने को शासन उचित नहीं मान रहा है। आंदोलन करने वालों में कई समीक्षा व सहायक समीक्षा अधिकारी परीक्षा कराने, मूल्यांकन जैसे गोपनीय काम में लगे हैं। इनके अंजू कटियार के समर्थन में खड़े होने से आयोग की निष्पक्षता पर प्रश्न उठने लगा है। कई संगठनों ने मुख्यमंत्री से इसकी शिकायत की है। शिकायत करने वालों में कुछ भाजपा के वरिष्ठ नेता भी शामिल हैं। इसके मद्देनजर आयोग के गोपनीय काम में लगे अधिकारियों व कर्मचारियों की निष्पक्षता की पड़ताल की जाएगी। गोपनीय काम में ईमानदार व निष्ठावान अधिकारियों व कर्मचारियों को लगाया जाएगा। ऐसे लोगों की सूची तैयार की जा रही है। अब यहाँ पर देख सकते हैं कि चिन्हित किए जा रहे जो करीबी, शासन उन अधिकारियों और कर्मियों की पड़ताल कर रहा है जो 2014 से गोपनीय काम में लगे हैं। पूर्व परीक्षा नियंत्रक प्रभुनाथ व अंजू कटियार के जो करीबी थे उन्हें भी चिन्हित किया जा रहा है, क्योंकि इन्हीं के कार्यकाल में पेपर लीक व कापी बदलने की घटनाएँ हुई हैं। ऐसे अधिकारियों और कर्मचारियों को गोपनीय कार्य से हटाया जाएगा व 2012 से पहले परीक्षा कराने में सक्रिय रहे अधिकारियों कर्मचारियों को पुनः इस काम में लगाया जाएगा। तो आप लोग देख सकते हैं कि यानी कि 2014 के आसपास जो भी कापी बदलने का मामला आया, जो भी लोग उसमें परीक्षा नियंत्रक थे, तो उनके पहले जिन लोगों ने जो अच्छे से काम किया है आयोग में, उन लोगों को जो है पुनः जो है कर्मचारियों को, अधिकारियों को लाया जाएगा, ताकि जो है फिर से आयोग में सभी काम जो है सही तरीके से चल सकें। तो ये ही बहुत अच्छा ही काम होगा कि सरकार जो है इस पर संजीदा है और पुराने अधिकारियों, अच्छे अधिकारियों को जो है लाएगी